ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري يسر لي امري وحلو عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين قران حكيم میں يوسف هي. और उसकी आयत नंबर 108 की तिलावत की गई और इसी के जेल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेईस बरस की मुस्तकिल सुन्नत यानी दावत इल्लाह के हवाले से कुछ बातों की याद दहानी अपने और आपके लिए मकसूद है इस आयत का तर्जमा इस तरह है सूर्यफ की आयत नंबर एक सौ आठ कुल हादही सबीली ए नबी वसल्लम फ़रमा दीजिए ये मेरी सबील सभी ये मेरा रास्ता है ये मेरा तरीक़ा है अदउ् मैं अल्लाह की तरफ़ दावत देता हूँ अला बसरतिन पूरी बसीरत के साथ इसके मफह में अगर जाएं तो दला के साथ बराहीन के साथ यकीन के साथ कन्विक्शन के साथ अन मैं भी ये दावत दे रहा हूँ बसरत के साथ व मनी और मेरी इतबा करने वाले भी यही काम कर रहे हैं ही और अल्लाह सुबहानो पाक है व मा अनुमशीन और मैं मुश्किन में से नहीं हूँ यू सुरयूसुफ़ की आयत मेरे एक सौ आठ का तर्जमा है बाकी सुरयूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि इसको कुरानी हकीम ने आहसन अकस यानी बेहतरीन कस्सा करार दिया यहूद के बारे में ये सवाल भी हुआ कि आ, ये मिस्र कैसे पहुंच गए हालांकि पहले तो मस्कन का मामला इनका व अजदाद का फिलिस्तीन में था तो अल्लाह सुबहान तै ने इस सवाल पर जो नबी अकरम आलिम से किया गया पूरी दास्तान यूसुफ़ क़ुरानी हकीम आता फ़रमा दी और मक्की सूरत है लेकिन जहाँ ये दास्तान यूसुफ़ का बयान है आसलाम वहाँ दरअसल दास्तान मोहम्मदी का जिक्र है सल्हु वसम कि जिस तरह कुएं में भाइयों ने डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को मक्के वालों ने भी क्या कुछ ना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगर किस तरह अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु आला अमरी ही सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर इक्कीस में कि अल्लाह सुभान व तआला अपने मामले पर तमाम मामलों पर कामों पर कुल इख्तियार रखने वाला है वलाकिन किम ना थरम लेकिन अक्सर लोग इल नहीं रखते तो जिस तरह भाइयों ने जो कुछ किया सो किया यूसुफ यूसफ़लम के साथ मगर अल्लाह ने कैसे उनकी हिफाजत फ़रमाई और किस तरह अल्लाह ताला यूसुफ तूसफ़ी सलाम को मिस्र ले गया और वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार भी आता किया यही मामला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि लाख तुम उनकी मुखालफत कर लो जल्ला अपने काम पर और सारे उमूर पर पूरा इख्तीार रखने वाला है वही महमद मुफ़ा सफ़ादत भी फरमाएगा और उनको ग़लबा भी अता फ़रमाएगा तो उन्होंने तो एक सवाल किया था अल्लाह ने पूरी सूरत अता फरमा दी और तकरीबन बल्कि बारह रुकू हैं और एक सौ ग्यारह आयात इसमें हैं और ये पूरी दास्तान हमारे सामने आ गए एक और नुकता इस तल्लु से ये है कि अल्लाह ताला ने कुरानी हकीम में रसूलों के हालात दो एतबार से बयान फरमाए एक तो मरूफ़ है कि रसूलों और उनकी अकवाम की कशाकश का तस्करा रसूल दावत पेश करते हैं कौम मुखालफत करती है और मुखालफत में तशद पर उतर आती है फिर एक कशाकश का सिलसिला चलता है अहली ईमान पर जो है वो म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं और बिलाख़िर पर अल्लाह रसूलों की मदद फरमाता है और बातिल कौमें या सरकश कौमें मिटाई भी गईं इनको अम्बाउ रसूल कहा जाता है ये रसूलों के हालात के बयान पर मबनी वाक़ात कुरानी हकीम में कभी अल्लाह सुबहान तला भी अख्तियार करता है कि बास रसूलों के बाद अम्बिया आलिम के जाती हालात को भी जिक्र फरमाते हैं इनको कससबीन भी कहा गया है और इस हवाले से जो बेहतरीन मिसाल ये तो बेहतरीन क़स्ा तो है कुरानी हकीम का मगर इस तल्ल से कि किसी पैगम्बर के इनफरादी जाती हालात को बयान किया गया हो वो वह यूसफल का किस्सा हमारे सामने आता है बाकी अपनी जगह यह बड़ा कीमती मौजू है और इस मौ पर मुफ्सरी ने भी बहुत बल्कि इस पूरे वाक़े पर मुफ्सरी ने बहुत कुछ लिखा और बयान भी किया है हमारे भी एक उस्ताद नवीद अहमद साहब अल्लाके मफरत फरमाए कुरान अकैडमी कराची में होते थे हमारे इस में शामिल अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए तो उन्होंने भीमत के मोती सोरे यूसुफ़ की रोशनी में कोई दो सौ से ज़्यादा निकात उस हैं जो उन्होंने मुरतब किए जिसमें इलमी निकात भी हैं तरबियत के अतबार से भी हैं अखलाकियात के अतबार से भी हैं घरेलू ज़िंदगी के बारे में भी हैं माशी मामला के बारे में भी हैं मुल्की हालात के बारे में भी हैं रियासती रियातीमूर के हवाले से भी हैं तो इल्म और हिकमत के मोती सुरयूसफ़ की रोशनी में अंजम् ख़ुदाम कुरान सिंध जो कराची में है वहाँ से किताब चाह शाया भी होता है और हमारी एक और वेबसाइट है कुरान अकैडमी डॉट कॉम कुरान अकेडमी कराची की वहाँ से इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है तो खासे इसमें इल्म हिकमत के निकात जो है वो हमारे सामने आते हैं इस वक्त इस आयत का इंतब किया गया ये बिल्कुल आखिर में 111 है एक सौ ग्यारह आयात हैं सूर्य में और इसकी आयत नंबर एक सौ आठ इस वक्त हमारे जेर मुताल है वो एक बारवा रुकू है ग्यारह रुकू तक तकरीबन यही किस्सा है जो अल्लाह ताली ने बयान फरमाया और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि दास्तान यूसुफ के बयान के दिल में दास्तान मोहम्मदी वसल्लम का जिक्र हमारे सामने आ रहा है इसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से कहलवाया गया है कि कुल हार ही सभी ए नबी सरमा दीजिए ये मेरा ये मेरी सबील है ये मेरा रास्ता है सबील भी अरबी में इस्तेमाल होता है सिरात भी अरबी में इस्तेमाल होता है तरीक़ भी अरबी में और कुरानी हकीम में इस्तेमाल होता है बुनियादी तौर पर मफहम एक ही है, जो हम तर्जुमा करेंगे उर्दू में रास्ते का तर्जुमा बनेगा कि लघवी एतबार से थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा लेकिन सभील और तरीक और सिरात कम उबेश हम माना अल्फाज हैं जिनका मफहम बनता है रास्ता कुल हाद ही सबीरी ए नबी सल फ़रमा दीजिए ये मेरी सभीर मेरा रास्ता है अदौर मैं अल्लाह सुल्हान तै की तरफ दावत देता हूँ यूसफ्लम भी अल्लाह की तरफ बुला रहे थे तमाम अम्बिया रसुल्ला की तरफ़ दावत दी तमाम पैगम्बरों की बुनियादी दावत एक अल्लाह की तरफ बुलाना ही है गोया उसूल के अतबार से तमाम पैगम्बरों की बुनियादी दावत भी एक है और तमाम अम्बिया और रसुल आलिम का दीन दीन इस्लाम है बकिया मज़ाहब को हम देखते हैं वो शख्सियात के नाम पर हैं जुडाइज़म है क्रिस्चानिटी है वगैरह वगैरह बुद्ध मत है लेकिन इस्लाम ये किसी शख्सियत की बुनियाद पर नहीं नाम ये अमल की बुनियाद पर नाम है अपने आप को झुका देने का नाम है और अल्लाह फरमाते तमाम अम्बी और रसूल की बुनियादी दावत एक ही रही सुरह आलमरान के आयबर उन्नीस है इन न दीन इंद इस्लाम बेशक दीन तो अल्लाह के नज़ीर फ़कत इस्लाम है बहरहाल या अल्लाह के रसल से कहलवाया जा रहा है कि अदोल्ला मैं अल्लाह सुबहान तै की तरफ़ दावत देता हूँ अब ये दावत का लफ्ज़ हम जानते हैं बुलाना इसी तरह तबलीग का लफ्ज़ कुरानी हकीम में हम जानते हैं पहुँचाना इसी तरह कुरानी हकीम कभी कहता है अमर मारूफ नहीं अनिल मुनकर भलाई की दावत देना खैर की दावत देना मुनकर से रोकना इसी तरह कुरानी हकीम शहादत अन्नास की इस्तेमाल करता है लोगों पर अल्लाह के दिन की गवाही पेश करना बात एक ही है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाना बंदों को अल्लाह से जोड़ने की तो कोशिश करना बंदों को अल्लाह की तरह मुतवज करना कभी दावत का लफ्ज आ रहा है कभी तबलीग का लफ्ज आ रहा है कभी अमर बिलमूफ़ व नहीं मुनकर की असिलाहत आ रही हैं कभी शहादत अल्न्नास के अल्फाज आ रहे हैं कभी अल्लाह अपने रसूल अमाम के बड़े प्यारे औाफ को इसी एक बुनियादी फरीजे के अतबार से बयान फरमाता है सुरह अहजाब की आयतंबर 45 सौ छियालीस में आता है या इन्ना का ए आपको शाहिद गवाही बनाकर भेजा डराने वाला, वाला अदाब से डराने वाला बनाकर भेजा वह इदन ही और अल्लाह के इधन से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा वाज मुरीरा हिदायत का रोशन चराव बनाकर भेजा किसी मौके पर इंशाला नायात पर कलाम हो जाएगा और होता भी है ख़ासतौर पर जब दौर तर्जम कुरान में हम कुरानी हकीम के पूरे तर्जमे को हमारे यहाँ कुरान अकेडमीज़ में तंजीम इस्लामी की जेरमाम सुनते हैं बहरहाल तो सूर आज़ाब के नंबर पैंतालीस सौ छियालीस में तो हजूर की जो पाँच शानें बयान की गई हैं अल्लाह फरमा रहा है शाहिद मुबर नदीर दाई और सराज मु ये सारी की सारी शानें एक ही फरीजे के तल्ल से और वह क्या है अल्लाह की तरफ बुलाना अल्लाह की तरफ दावत देना ख़त्म नबूत हो गई है कार रसालत बाकी है नबूत नबाउन सेना दबाउन कहते खबर को वो जो जो वही के जरिए आती थी पैगम्बरों पर दरवाजा बंद हो गया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हाल सलभ पर ख़तम नबूत हुई है कार रसालत बाकी है आज भी जब हम कलमा पढ़ते हैं उसका तर्जुमा क्या करते हैं ला इला किसी व कोई अला कोई महबूद नहीं मोहम्मद रसूल मोहम्मद सल्ला के रसूल हैं कहते ना अब रसालत आपकी जारी रहेगी मगर रसालत किस माना में पहुँचाने के माना में सिलसिला जारी है यह काम क्यामत तक जारी रहेगा और इसकी जिम्मेदारी आज उम्मत मुसलिमा पर है खत्म नबूत हो गई कारे रिसालत बाकी है अब खतम नबूत के बाद यह जिम्मेदारी उम्मत के कांधों पर है हर मुसलमान ने दाई बनना है अपनी कैपेसिटी अपनी इस्तात अपनी कुदरत और अपने दायरे कार के अतबार से हर मुसलमान आलिम बने शर्त नहीं है हर मुसलमान मुफ्ती बने जरूरी नहीं कुछ बनेंगे ताकि उम्मत की रहनुमाई शरी मामला में होती रहे हर मुसलमान इमाम मस्जिद बन जाए खतीब मस्जिद बन जाए नहीं हर मुसलमान से कुरान बन जाए नहीं ऐसा नहीं है कुछ होंगे ताकि उम्मत के बिहाफ पर ये जिम्मेदारियां अदा होती रहे मगर हर मुसलमान दाई बने ये तो फर्ज है उम्मत के ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें इवन अगर खुतिन भी हैं अपने दायरे कार के अंदर एक माँ है उस माँ की गोद में जो बच्चे पल रहे हैं अल्लाह सुबहानल्ला बात पहले भी कभी आई हो औरत को क्या मकाम दिया गया मौलाना शाह बुखारी रहमत आल से पूछा गया कि हजरत अल्लाह ने जब भी नबी बनाया किसी मर्द को बनाया किसी औरत को कभी नबी नहीं बनाया गया तो बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बेटा मर्द रसूल बनते थे औरत रसूल जनती थी हर नबी हर रसूल किसी माँ की गोद में पैदा हुए एक एक्सेप्शन है किसका आदम अलम का उनके तो वालदे दोनों नहीं हती के ईसा ने सलाम उनकी वालिदा हैं वालिद उनके नहीं वालदा उनकी भी हैं बीबी मरियम सलामी तो मर्द रसूल बनते थे औरत रसूल जनती थी तो उस माँ की जिम्मेदारी वो के बाप की भी है ये बात अवत मर्द भूल जाते हैं कि हाँ जी बेगम की जिम्मेदारी है बच्चे की माँ की जिम्मेदारी नहीं बुखारी शरीफ की हदीस में अल्ला के रसूल आलिम ने फरमान है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है तोहेद के साथ आता है फिर कौन उसको यहूदी मजूसी और नसरारी बनाता है माँ बाप दोनों का जिक्र है माँ बाप है तो उसको यहूदी दसरानी या मजूसी नहीं मश्रक बनाते मीडिया बाद में आएगा लगा के भी हम देते हैं एक्सेस भी हम देते हैं फैसिलिटेट भी हम करते हैं सब बातें बाद में आएंगी पहले माँ बाप हैं तो दोनों का रोल है लेकिन समझाने की बात तो इस बच्चे और बच्ची की तरबियत तो माने करनी है तो यहां उसको दीन की बुनियादी बात किसने पहुंचानी माने पहुंचानी फिर बाप की भी जिम्मेदारी कम नहीं है कि औलाद को सदखा जारी बनाने की कोशिश करें इस मौजू पर अलदा भी बात होती रही होती रहेगी इन शर्ज करने का मतलब यह था कि खत्म नबोवत हो गई कारत बाकी है और हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि उस दावत दीन के फरीजे को अंजाम देने में अपना हिस्सा डाले और भाई बुजुर्ग दावत हर बंदा दे रहा है ये जो आज दुनिया हम कहते हैं कि आसान हो गई है फिंगर टिप्स पर आ गई है स्मार्टफोन पर ये जो हम सारी चीजें फैला रहे होते हैं ये क्या है दावत ही है ना सही है या गलत वो अलग बहस है फला का कमेंट आ गया फला की अपडेट आ गई फला ब्रेकिंग न्यूज आ गई हर दूसरे मिनट में ब्रेकिंग न्यूज दर्जनों के हिसाब से चैनल्स भी हो गए स्टेटस अपडेट लगा हुआ है ये क्या हो रहा है आखिर फॉर्विड ही तो हो रहा है ये दावत ही तो दी जा रही है ये सुन लो ये देख लो ये पढ़ लो ये इन हुआ ये नया आया है हर बंदा इवन वो भी जो मारूफ माना में पढ़ा लिखा नहीं है वो भी दावत तो दे रहा होता है हर बंदा दावत दे रहा होता है बकौल मौलाना यूसुफ इस्लाई साहब के, के बड़े प्यारे अल्फाज उनके कि हर बंदा खामोश मुबलिक है कोई ना कोई दावत दे रहा है रेड सिग्नल वैसे तो पुलिस वाले क्रॉस करने नहीं देते मगर कोई कर रहा है अगर तो दावत शायद कुछ शहरों में अब भी दे रहा है कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है तोड़ो सिग्नल को तो उसने किसी को कुछ कहा नहीं मैसेज दे के चला गया चार दोस्त बैठे अदान की आवाज आ गई नमाज फर्द मुसलमान पर एक उठकर चला गया कुछ कह के नहीं गया तीन खामोश बैठे रहे लगे रहे किसी गांधे के अंदर वो क्या कह के, के गया जाने वाला ये जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट क्या है हया बाकी तीन क्या कह रहे हैं बताइए वो इंपॉर्टेंट नहीं है अल्लाह अकबर ये इंपॉर्टेंट जो हम लगे हुए इसके अंदर हर बंदा दावत दे रहा है सही दे रहा है गलत दे रहा है अपनी जगह मगर आपको तो मुझे शौरी तौर पर दाई बनना है और अल्लाह के नजदीक बेहतरीन कौन है सुबह ये जो हमारे यहाँ मुंतब का सिलसिला जारी रहता है बानी तंजीम उसाद मोहतर डॉक्टर शराब साहब रहमत ने बारह यहीं पर बयान फरमाया अब वो किताबी शक्ल में मुख्तसर तफसली इंग्लिश में उर्दू में ऑडियो में वीडियो में किताबी शकल में सब मौजूद है उसका एक दरस है ना सुर हामी में सजदा का और उसके अंदर उसमें आया तीस से छत्तीस वहाँ आयत नंबर में क्या जिक्र पाक फरमाता है अहसन के के अंदर बेस्ट। के बेस्ट कौन है हमारे क्या है हमारे क्या जी आज फ्रॉम होम कर लो चार प्रोजेक्ट्स पकड़ लो दस लाख महीना कमा लो कमारे लोग नहीं जरा वो क्रेज खत्म हो गया एम बी ए का जरा माफ कीजिएगा जरा आई टी के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पुरानी हो गई फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर चले जाओ ना जी अब जर्नलाइज एम बी बी एस नहीं चलेगा की तरफ जाना पड़ेगा ऐसे ही है ना ये अच्छा है ये बेहतर है बड़ी बड़ी काउंसिल होती है बड़े बड़े काउंसलर्स बैठे हुए बाकायदा टाइम उनसे लेना पड़ता है पैसा देना पड़ता है पे करना पड़ता है और ये सब कह रहे हैं ये बेस्ट है ये बेस्ट है ये बेस्ट है ये सारे मखलूक के लोग हैं इनकी बात एक हद तक ठीक होगी जायज बातों की बात कर रहा हूं मगर कुरान तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह किसको बेस्ट कह रहा है अमन दादल्ला إِلَ और उससे बेहतर की उस बात किसकी होगी बल्कि उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है उससे बढ़कर मिम मन दाअल्ला जिसने अला सुबहान तरफ दावत दी ये सिर्फ फजीरत का मामला नहीं ये फर्जियत का मामला भी है जहाँ ये फजीरत कुरान बयान फरमा रहा है वहाँ ये फर्जियत का मामला भी है ये अल्फाज अभी अगले अल्फाज में आ रहे हैं ये बात अगले अल्फाज में आ रही है तो खतब नबूत हो गई है कार रिसालत बाकी है और ये कोई ऑप्शनल काम नहीं है चलो कर लिया कर लिया हाँ भाई फलां जमात वाले कर लें ये फला अच्छे लोग हैं वो कर लें ले फलामा दो चार कर रहे हैं फलां मस्जिद के अंदर दर्श हो जाता है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात तो है लेकिन अगर आप और मैं नहीं करें तो ये कोई अच्छी बात नहीं ये बहुत बुरी बात है ये बहुत गलत बात है और ये अपने आप को कहीं कल आदाब में मुबतला कर देने की दावत देने वाली बात ना हो जाए बहुत तल्ख बात मैंने नर्स की अल्लाह पूछेगा ना फलन सलीम सुर आर के शुरू में अल्लाह रसूलों से भी पूछेगा अल्लाह उम्मतों से भी पूछेगा रसूलों ने तो गवाही दे दी और रसूल सल्लास ने हजतुलवि के मौके पर गवाही ले भी ली और अल्लाह को गवाह भी बना लिया अल्लाह शहद अल्लाह तो गवार गवाही देने के मैंने पहुँचा दिया है क्योंकि हजूर ने भी जवाब देना है रसूलों ने भी जवाब देना है अल्लाह हमसे भी तो पूछेगा हमने भी तो पहुँचाना है इस माना में अब बेहतरीन वो है फजीरत की बात जो अल्लाह की तरफ दावत दे और के ये फर्ज है उम्मत के पर कि दावते, दावत के फरीजे को अंजाम देने की कोशिश करे अब दावत के काम की अहमियत एक दो बातें आ गई फर्जियत एक नुकते आ गया दावत का काम कैसे दावत के काम में तरजीहत क्या होंगी दावत के काम में जराए क्या होंगे अपनी जगह मौजूद हैं जिसको हम गाहे बेहे मुख्तलि फोरम्स पर डिस्कशन में लाते हैं इसी मौजूद पर उसाद मोहतरम डॉक्टर सराज साहब रहमत का बहुत ही प्यारे खिताब है दावत ही उसका है के फैसला हाँ, फैसलाबाद में उनके जामिया में डॉक्टर साहब ने दर्ज ये खिताब फरमाया था और डॉक्टर साहब रहमत ने बड़ी शदोमत के साथ इसका जिक्र फरमाया कि अल्लाह के नबी आलाम का उसवा जाम तरीन है और अल्लाह के नबी आम की एक एक अदा कीमती है अलबत् कभी कभी बाज़ आमाल या बाज अदाए रसूल आलम की उनके हवाले से अख्तलाफ हो सकता है, कि अमल अवदल है या फना अमल अफजल है तरजीह ज्यादा या इसकी तरजीह ज्यादा है कभी हुजूर एक अमल किया करते थे बाद में आपने तक कर दिया यह गुफ्तु तो चलती है मगर एक ऐसी सुनत जिसमें किसी मकतबिका कोई इख्तलाफ नहीं उम्मत में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं और जिस सुन्नत की अदा करने में जिस अमल को अंजाम देने में एक दिन का फर्क नहीं मिलेगा और जो तेईस बरस मुस्तकिल जारी रही है वो दावत इल्लाह की सुन्नत है ये उस किताब से मैं आपको तफसील बड़ी वजाहत के साथ मिलेगी इनशाला तो यह आज याद दहानी है कि अल्लाह सुबहान तत्म नबूत के बाद ये काम मेरे और आपके जिम्मे लगाया और अल्लाह ने चुना है मुझे और आपको हम अपनी इस अहमियत को पहचाने ना इस हैसियत को पहचाने कभी यहूद का दावत है वी आर द चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड होंगे कभी एक वक्त में अल्लाह ताला ने उनको तक अमी आलमीन का उस वक्त के दौर के अतबार से और पैगंबरों के मिशन में उनके दस्तोबाजी बनों को कहा लेकिन जब उन्होंने उस जिम्मेदारी को अदा ना किया तो अल्लाह तुरान हकीम फरमाता अलबक आयत और मोहताज उन पर थोप दी गई आज अल्लाह हमें कहता है सुरह हज की आखिरी आयत है आयतम सेवन एट सूरह का आखिर रुको भी उस मंतख निसाब में शामिल जिसका हवाला दिया गया था हमारे मकतबे से भी तमाम कुतुब और ऑडियोज वीडियोज आपको मिल सकती हैं बल्कि इससे आगे बढ़कर अब तो वो यूएस बी और इससे आगे बढ़कर वो क्या कहते हैं मोबाइल का जी मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है अहमद ला यानी अल्लाह तब हम हमारे हिसाब को आसान फरमा दे इतना डाटा अवेलेबल है फिंगरप्रिंट्स के ऊपर छोटे से मोबाइल फोन के अंदर बचने का कोई इम्कान नहीं जो टाइम नहीं मैं फिजिकली आके दीन सीख सकूं अच्छा ऑनलाइन सीख लो बेसिक दीन की बात कर रहा हूं जी मैं खुद दर्श नहीं दे सकता तो आपको किसने कहा कि हर बंदा दर्श बने जहां दिया जा रहा है वहां पे लोगों को इनवाइट कर लो जी मुझे फिजिकली लोग अवेलेबल नहीं एक बंदा पिछहत्तर बरस की उम्र में कराची में बैठ के छह बर्रजमों में फैली हुई अपनी फैमिली के और खानदान के लोगों को अरबी भी पढ़ा रहा है मुंतख्य नाब भी पढ़ा रहे हैं और दीन की बुनियादी तालीम भी दे रहा है पोते पोतियों को भी दे रहे हैं नवासी नवासीयों को भी दे रहे हैं अपने, अपने हम उम्र लोगों को भी दे रहे हैं अपनी बहुओं को भी कुछ पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो पचहत्तर बरस का बूढ़ा हमारे हमारी तंजीम के साथी कराची के अंदर नेवी से रिटायर्ड वो कर रहे हैं कोई एक्सक्यूज नहीं बेरो आपके पास नहीं चलेगा बहरहाल बात दूर ना चली जाए तो हासिल कलाम यह है कि अल्लाह ने चुना है मुझे और आपको अल्लाह फरमाता है सूरहज के आखिर में उसका जिक्र कर रहा था वो दरसी मुंतखब निसाब में शामिल हुआ जितबा अल्लाह ने तुम्हें चुना है पहले अल्लाह आदम सलाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा तक सवाल को चुनता रहा अब उसके बाद अल्लाह ने इस उम्मत मोहम्मद साहब सलातम को चुना है हम अपनी इस हैसियत को पहचाने किसी छोटे काम के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको खड़ा नहीं किया बड़े मिशन के लिए अम्बिया रसुल का मिशन था जो अम्बिया रसुल की जिम्मेदारी थी जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने मुझे आपको खड़ा किया है अगर कहीं मेरी और आपकी सलाहियतें लगनी चाहिए तो ये काम है जहाँ लगनी चाहिए इशारातन बातें आई हुई हैं शायद कराची में जुमे के खिताब में इस पर कदम भी हो गया था और कर्नासान बयाम तंजीम इस् ने बड़ी प्यारी बी प्यारीदात फरमाई कि चार चोटी की बातें अल्लाह ताला ने रहमान के आगाज में हमें आता फरमाई एक अल्लाह का प्यारा नाम सिर्फ बहुत ही प्यारा सिफाती नाम और रहमान रहमत की शिद्दत का बयान उसमें अल्लाम अल कुरान जिसने कुरान सिखाया सारे ूम अल्लाह ने दिए टॉप कैल कुरान खल इंसान उससे इंसान को पैदा फरमाया हालांकि सारी मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई, फरमाईल बयान उसको बयान की सलाहियत अता फरमाई वो कि सुनने देखने और दीगर गई सलाहियतें भी रब ने सबको अता फरमाई लेकिन बेहतरीन सलाहियत बयान हासिल कलाम क्या है वो अल्लाह जिसने अपनी रहमत के तोफेल बेहतरीन मखलूक यानी इंसान को बेहतरीन कर्न हकीम अता फरमाया उस बेहतरीन मखलूक को अपनी सलाहियतों को बेहतरीन सलाहियतों को कुरानी सीखने सिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए रसोल्लाम फरमाते ना खीरकनता तुम में से बेहतरीन लोग हैं जो कुरानी सीखें और दूसरों को सिखाएं आज हमारी इस कौम को हमारे बच्चों को अल्लाह ने बड़ा टैलेंट दिया खुदा की कसम कोई कमी नहीं हमारी यूथ में टेलेंट की कमी नहीं है हाँ ये यूथ जाके कहीं आई एम एफ को वर्ल्ड बैंक को बिल गेट्स को नासा को इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सर्व कर रही है हमारा नौजवान जाके सर्व कर रहा है इतनी बेहतरीन सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी है तो इन सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं, नहीं होना चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए बेहतरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इन सलाहियतों को वहां इस्तेमाल नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह वो तो फरमाते थे तोप से कोई मक्खी मारे कितनी बेवकूफ़ी की बात होगी हम रॉकेट लॉन्चर लेके मच्छर मारना शुरू कर कितनी बेवकूफी बात होगी क्या ख्याल है एफ सिक्सटी सिक्स मोहल्ले की सफाई करना शुरू कर दें उसके प्रेशर से कितनी बेवकूफी की बात होगी ना हाँ हम क्या पागल होगा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा तो आज हम अपने बारे में सोचे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सलाहियत कैपेसिटीज मुझे और आपको अल्लाह ने आता फरमाई क्या वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में लग रही अगर हाँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करे अल्लाह तो देगा तो शकर तुम तुम्हारा शुक्र करो अल्लाह फरमाएगा मजीद दूंगा हमें पता है कि बाय लार्ज नहीं लग रही डॉक्टर फरमाते थे रहमत मैं तुमसे तुम्हारी औलाद की भीख मांगता हूं अल्लाह वक्त एक दाई भिकारी होता है उसको अपने इस दावत के काम और अमल के लिए अफरा चाहिए तुमसे तुम्हारी औलाद की भीख मांगता हूं मैं पैसा नहीं मांगता हूं मैं अफरा चाहिए काम करने के लिए जहीन अफराद भी चाहिए बहरहाल जो आए अल्लाह की नेमत है वो ने सरदारों को मांगे अल्लाह से अल्लाह मरबिन हिशाम दे दे अबुजल का नाम है अल्लाह उमर में खताब देते सही खताब रदी अल्लाह मांगा अल्लाह के रसूल हम देखें आज हमारी सलाह ये इस काम को हम अपना काम भी समझते कि नहीं हम कहते हम खैर उम्मत ये बातें आ चुकी है खैर उम्मत जिम्मेदारी की वजह से बाहर ये हुजूर का तेईस बरस का काम यह हजूर आलाम की तेईस बरस की सुनत ये हजूर आसम का तेईस बरस का अमल है जिसमें एक दिन का फर्क नहीं और किसी स्कूल और फार्ट में, किसी में नहीं। तर्जमानी अगर करेंगे तो कन्विक्शन भी है यकीन भी है दलाइल भी हैं, बराहीन भी हैं। इसका एक पहलू क्या है अरे माने दावत देने वाला पहले खुद तो जैसे अजीब मकामने पाक का बड़ा दिलचस्प आम रसूल बीमा

ये कल्बी ईमान हकीकी हकीकल इकतसाबी ईमान ये के नफाज हैं बड़ी वजाहतें है वहाँ पर आपको मिलेंगी उसके आ, दूसरे हिस्से में जो ईमान के मौजूद पर वहाँ पर मबाद हैं जिसमें सुरफ़ात भी है सुर आल इमरान की आयात वन नाइनटी सेवन नाइन्टी फाइव भी हैं सुर नूर का रुकू नंबर पाँच भी है सुर तगाम मकम्मल शामिल भी है सुरत मुकम्मल शामिल भी है ईमान एक ज़ुबान के इकरार का नाम ज़रूरी है मगर काफ़ी नहीं और एक दिल की तस्दीक का नाम और ईमान इकतेसाबी क्या शुरू इसका उसूल हो हकीक ईमान का हसूल ये दिल में होता तो अमल सबूत पेश करता और अमल वाक़ अमल होगा तो वह लाजमन बंदे को दूसरों की खैर ख्वाई के जज्बे के साथ दावत दिन के अमल की तरफ लेकर जाएगा तो एक पहले मैं और आप जिस बात की हमने दावत देनी है उसको माने बैठे हैं कि नहीं दिल की गहराइयों से उस पर ईमान है कि नहीं अल्लाह पर ईमान महज जुबान से दिल की गहराइयों से आखरत का यकीन दिल की गहराइयों से मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान दिल की गहराइयों से कुरान हकीम को अल्लाह सुबहान की सबसे बड़ी नेमत मानना दिल की गहराइयों से ये यकीन है कि नहीं तो एक तो पहले साहिब ईमान बंदा उसका ये ईमानी कैफियत का मामला शोरी हकीकी इकतसाबी ईमान का मामला कॉन्शियस लेवल पर ईमान का मामला होगा तो बात आगे बढ़ेगी और फिर जो दावत पेश करनी है वो दावत पूरे वसूख के साथ पूरे यकीन के साथ और पूरे कन्विक्शन के साथ जिसके लिए बसीरत का रफ्ज आया फिर दलाइल की सतह पर बराहीन की सतह पर एक है वाद नसीहत से काम चल जाता है मगर माशरे में अगर तब्दीली लानी है जिसके हम खां हैं इनकलाब बर्पा करना है जो हमारी चाहत है तो माशरे के अंदर बाहर जहीन तबकत भी हुआ करते हैं उनको उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल पर एड्रेस करने की जरूरत होगी दलाइल के साथ बात करने की जरूरत होगी ये सब कुछ बसीरत के जेल में आएगा कन्विक्शन का होना यकीन का होना जो बंदे की जो दावत देने वाला है और फिर दावत देते हुए दलाइल के साथ दावत को पेश करना अगर कुछ इश्काल और एतराज हैं उनको रफा करने की भी कोशिश करना पड़ेगी और दलाइल बराहीन के साथ दावत की जिम्मेदारी अदा करनी होगी ये भी एक अहम पहलू है जिस पर तोजह यहाँ पर दिलाएंगे फिर अल्लाह तला के एलवार नबी अक्रम से आना मैं ये दावत दे रहा हूं अदो के मफो में मैं शामिल था मगर अना का जिक्र अलग से आकर इसकी ताकि मैं ये दावत दे रहा हूँ ये मेरा रास्ता है ये मेरा तरीका मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बड़ा जोर है इसके अंदर और यह रसूल की फिर अर्ज कर रहा हूँ सल्लाम यह तेईस बरस की सुन्नत है एक और फजीलत क्या है अगर एक उम्मती ये काम करता है तो उसकी नस्बत अम्बिया रसुल से हो जाती है और उसकी नस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा से हो जाती है सल अल्लाह वसलम और आगे कहलाया गया वी और मेरी इतबा करने वाले भी ये काम कर रहे हैं बहुत अहम नुकता है करने वालों में के कराम, रजी ताला चले जाएंगे और इससे एक और नुकता भी मालूम हुआ हजूर की इतबा तो अल्लाह की मोहब्बत की दलील है कुरानी करीम कहता अल्लाह से मोहब्बत का दावा अगर किसी का है

खा हुजूर ने किसी बात का हुक्म ना भी दिया हो मगर हुजूर अली सलाम उसको इख्तीय किया हो तो हत्तल इम्कान उसकी पैरवी की कोशिश की जाए ये इतबा का तकादा है तेईस ते बरस की सारी जिंदगी उसमें आ जाएगी तो अल्लाह की मोहब्बत के दावे के लिए अल्लाह दावे के साथ सबूत का तकादा करता है और सबूत के तौर पर इतबा रसूल का तकादा अल्लाह सब्हान से फरमाता है और उस इतबा के तालु से यहां क्या जिक्र आ रहा है जो तेईस बरस की सुन्नत है हजूर की सल्लाम जो तेईस बरस की मेहनत है तेईस बरस का अमल है उसके बयान के जेल में अल्लाह नबीम से कहला रहा है अना, मैं भी काम कर रहा तो सच्ची बात ये है, अगर से मोहब्बत का दावा है तो सबूत पेश करना होगा सल्ला और इतबाई रसूल के तल से जो तेईस बरस की सुनत है वो ये दावत की सुन्नत है हम उर्दू में कहते हैं खूब से खूब तरकी तलाश हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर द लेस मैं राधर मैं अर्ज किया करता हूं राधर गो फॉर द बेस्ट तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है सुनना में वो दावत अल्लाह की सुन्नत है कोई उम्मती से महरूम ना रहे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतना इसको उमूम दिया है आपने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन बुखारी शरीफ में है, मेरी जानिस से पहुंचा दो खा एक ही आयत हो एक आयत एक बात तुम्हें आती हो पहुंचा दो उसको नौजवान जब इनको बात समझ आती है तो जरा दावत का काम शुरू कर देते हैं लोग कहते हैं मौलवी साहब अभी से तुम पर निकालना शुरू हो गए जुम्मा जुम्मा आठ दिन हुए नहीं और तुमने बातें शुरू कर दी तो डॉक्टर जाकर नाइक साहब का शायद कश्मीर में इंडियन कश्मीर में कहीं दर्ज था और यही सवाल उनसे किया बड़ा प्यारा जवाब दिया भाई जुम्मा जुमा आठ दिन भी लेट है जुम्मा जुम्मा आठ दिन भी लेट है अल्लाह के रसूल ने क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया ये काम करने के लिए बेसिक क्या है एक आयत आती है, पहुंचा दो उसको और इस गुफ्तगु के दौरान में वो वाक्य मुझे याद आया कल कहीं उसकी रिकॉर्डिंग हम करवा रहे थे या दो तीन दिन पहले अल्लाह के रसूल जो कुरान लेकर आए इसमें सूर्य आहकाब भी तो है ना सूरत आहकाब छब्बीस से पारे की पहली सूरत और बड़ा ईमान अफरोज वाकया किसका आता है उसके आखिर में जिन्नात का अशरफ हम हैं इंसान ठीक है और जब कुछ इंसानों ने रद्द किया लाह अकबर ताइफ आलो ने रद्द किया ना अल्लाह ने हुजूर की तसली के लिए और दिलजोई के लिए जन्नात को भेजा है अल्लाह के अंदर की नमाज की तिलावत हो रही अकबर याद की जे नबीलाम जब जिन्नात की जमात को आपकी तरफ फेर लाए करीब पहुंचे का खामोश हो जाओ और की से सुनो जब कुरने पाक की तिलावत मुकम्मल हो गई वल्ल अपनी कौम की तरफ इंतज़ार करने वाले कौम को आदाब से डराने वाले बनकर लौटे हजूर की फजर की तिलावत का मामूल आम तौर पर क्या था बताया जाता है सूर्य हजरा छब्बीस पारा वहाँ से लेके सूर्य बुरूज आखिरी पारा और जुमे के दिन जो हुजूर की फजर की मामूलात में बात शामिल है तिलावत की वो सूर सजदा पहली रकत में और सूर दहर दूसरी रकत में थोड़ा तवीर हो जाता है मामला तो मैक्सिमम सूर्य हदीद इसमें आती जिस है जिसमें चार रुकू पाओ पारा बन जाएगा कम बेश इतनी तिलावत जिन्नात ने सुनी माना भी है और सिर्फ माना नहीं देन एंड देर अपनी कौम की तरफ दावत का काम लेकर जो है वो रवाना होंगे हन बकी के कब्रुस्तान में कौन मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी तदफीन हो जाए अगर सवा लाख के करीब विदा के मौके पर थे तो बकी में दफन होने वाले सहाबा तो आठ से दस हजार होंगे मैक्सिमम बाकी किधर है इसी काम को लेकर सारी दुनिया में फैले हैं ये अल्लाह के रसूल की वो एक तसली वाली बात क्या थी अगर ताइफ वाले इंसान रद्द करते तो क्या हुआ अल्लाह जिन्नात को लेकर आ गया जिन्नात कबूल कर रहे हो आप अपना काम कीजिए अल्लाह ताला रास्ते खोल देगा अल्लाह जिन्नात को कबूल की तौफीक अता फरमा देगा अगर ताइफ वालों ने रद्द किया है अल्लाह यसरिब का मकाम खोल देगा वो मदीन नबी बन जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना काम कीजिए है जो अल्लाह ताला कुरान पाक में मुझे और आपको अता फरमाता है नुकता क्या था जिन्नात जस्ट वन सिंगल टाइम कुरान की तिलावत सुन हां सुनी मोहम्मद मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान की तिलावत क्या होगी अल्लाह अकबर कबीरा लेकिन जस्ट वन सिंगल टाइम एक मरतबा उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी और कुरान की दावत देकर अपनी कौम की तरफ मुंवरीन बन के मुबलिगीन बन के अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बनकर लौटे हैं हम कितना कुरान सुन गए हैं कितना समझ चुके हैं कितना पढ़ चुके हैं कितनों का मैं अपने लेके दू कितना दर्ज दे चुके हैं इस कुरान की दावत को लेकर मैं कितना खड़ा हुआ हूं हुँ? हम और अपने और अगर हमसे ज्यादा हमारे बच्चे आगे हैं और हैं एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की भाई तुमने एम ए किया तुम्हारा बेटा भी एम ए करे तो कौन सी बड़ी बात है हाँ बेटा आगे होना चाहिए ना तो आज अगर ये यह सलाई हमें और हमारी औलाद को अल्लाह अल्ला ने दी और अल्लाह ने मुझे और आपको दी क्या वो इस काम में लग रहे हैं और ये हुजूर की इतबा का सबसे बड़ा तकादा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आखिर में फरमाया और सुबह अल्लाह और अल्लाह पाक है अल्लाह पाक मुराद ये भी मंत के दुरुस्त तस्वीर आती है जब हम कहते हैं अल्लाह पाक है तो अल्लाह अल्लाहब से पाक है कमजोरी से पाक है हाजत से पाक है नुकसान से पाक है जवाल से पाक है ये भी अल्लाह की तारीफ का एक तरीका है अल्मदिल्ला तमाम तारीफ़ शुक्र शकर सुबहान तआला के लिए और अल्लाह अल्लाह हर ऐब से पाक है ये दोनों अल्लाह की तारीफ़ के तरीक़े हैं और वो जो मीज़ान मार्फ़त इलाही है एक रिवायत के मुताबिक अल्हदिल्ला से वो आगे बढ़ जा अल्लाह से वो आधी भर जाती है और अलहमद से वो पूरी हो जाती है तो अल्लाह का एक बड़ा प्यारा तारफ़ इन दो कलिमात में आ जाता है अलहमद लाला और सुबहानल्ला व सुबहानल्ला और अल्लाह ताल हर ऐब से पाक है कमी से पाक है जवाल से पाक है वमा अना मिनल हैमशीन और मैं मुश्किन में से नहीं हूँ ये पिछली आयात के तसल में गुफ्तु है यानी वमा अनमिदल मिनल मुशीन अलबत् इस पर तफसी का मौका इस वक्त नहीं है अल्लाह ताली मुझे और आपको समझ अता फ़रमाए और अल्लाह अपने रसूल आलाम से सच्ची मोहब्बत और उनकी इतबा की हर गोशे में तोफ़ी अता फ़रमाए और जो खूब तरीन मामला है खूबसूरत तरीन मामला है अहम तरीन मामला है मुस्तिल तरीन मामला है वो दावत की सुनत है अल्लाह मुझे और आपको इसकी तोफ़ी अता फ़रमाए तीन चार मिनट आपके मजीद लेंगे हमारे कौमी असम्बली में जमात इस्लामी की जो रुकन कौमी असम्बली चित्राली साहब उनकी तरफ से एक मामला पेश किया गया और उसके बाद कौमी असम्बली में अलहदुल्ल मुक़दसा के हवाले से मुकदस शख्सियात के हवाले से यानी सहाब कराम रजियन अजमैन उम्मातमीन उम्मत की माएँ रजियल्लाजमीन आहल बैत रदील्लाम अजमैन उनके तल्लु से अब उमर कैद की सज़ा यानि उनकी अगर कोई गुस्ताखी करे उनकी शान में तो उमर कैद की सज़ा का कानून जो है वो कहिए कि उस पर इतफाक़ राय हुआ है कौमी असम्बली में मामला हो गया आगे बढ़ कर ये पूरे कानून की शक्ल भी अख्तियार करे और अल्लाह करे कि हुकूमत इसकी सिर्फ पा, आ, पेश ना कर दे पा, पास करके बल्कि उस पर अमल दरामद की कोशिश करे सहाबा का मामला हमारे लिए क्या है जुम्मे के खुदबाद में सहाबा की आज़मत का जिक्र भी आता है फिर वो बात की फमन अहब बहुमी हब्बी अहब बहू जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है

और हवाले से याद रखिए अवलन असकल उनमेंता है, है। इब्राहिम के क़स्से के जेल में सूर आहदाब में नबी मुकरम के अजवाज मतःरत के जेल में और अहादीस मुबारक के मुताबिक सैदी सैद फातुल जहरा रजी अल्लाह तहा फिर हजरत हसनैन सैयद फातुलजहरा रजियम अजमैन और एक रिवायत के मुताबिक सलमान फारसी को भी हुजूर ने अपने अहले बैत में शुमार किया हम वसीता तस्व रखते हैं और मुल्क में इंतशार जो कभी माजी में फैलता रहा और इन बुनियादों पर जो है मुकदसात मुकद्दस शख्सियात की शान में गुस्ताखियां करके इंतजार फैलाया जाता था लड़ाइयां करवाई